वेलकम व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बटरफ्लाई विद मी। आज एक बहुत ही क्विक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें होम रेमेडी को ट्राई करके आपने सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स से अपने हाथों की स्किन को बहुत ही सॉफ्ट एंड जेंटल कर देना है। और वैसे भी बार बार हाथ धो के और सैनिटाइजर यूज़ करके हमारी स्किन बहुत ही रफ़ और ड्राई होने लगती है। तो चलें, बाकी प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ हम अपनी स्किन की भी एहतियात करते हैं। और इसके लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट है शुगर। शुगर को हमने पाउडर फॉर्म में ले लेना है, क्योंकि वो अच्छा होगा, आपके हाथ दुखेंगे नहीं। और नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो भी आसानी से घर में अवेलेबल होता है, वो है लेमन जूस। ये भी बिल्कुल मैजिक की तरह वर्क करेगा इसमें। अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप लेमन जूस की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट्स नहीं है इस पूरी रेमेडी की। आपने शुगर से थोड़ी सी क्वांटिटी में आपने सिर्फ लेमन लेना है। अगर 3 चम्मच आपने शुगर लिया है तो आपने लेमन के कुछ ड्रॉप्स डाल लेने हैं, ताकि वो पेस्ट बन जाए। तो अब ये पार्ट ऑप्शनल है, लेकिन मेरे ख़्याल से बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इसकी खुशबू इन्हेंस करने के लिए तो बेस्ट है। अगर आपने रोज़ वाटर लेना है तो साथ में लेमन जूस की जो है क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लीजिए, ताकि वो ज़्यादा रनी ना हो ये आपका पेस्ट। और स्किन सेंसिटिव है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है कि आप रोज़ वाटर को भी यूज़ कर सकते हैं। और बस ये सारा पेस्ट अपने हाथों के ऊपर जो है स्क्रब करते रहें कुछ देर के लिए, 10 to 15 मिनट्स के लिए जेंटल स्क्रबिंग करें। और फिर उसके बाद अपने हाथ जो है ल्यूक वार्म वाटर के साथ धो लें और प्यारा सा स्मूथ सॉफ्ट जेंटल स्किन का रिजल्ट इंजॉय करें। आई होप आपको आज की ये क्विक और मैजिकल होम रेमेडी पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की भी क्विक वीडियोस पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए और इंस्टा पे भी अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।